हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। मैं हूँ रूपा और आज मैं आ गई हूँ फेयर एंड लवली विंटर ग्लो क्रीम का रिव्यू प्लस डेमो देने के लिए। अभी चल रहे हैं विंटर सीजन और विंटर सीजन यानी कि ड्राई स्किन का प्रॉब्लम हर किसी के पास है। स्किन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई, डल एंड डैमेज, तो वो स्किन किसी को भी पसंद नहीं है। तो उसके लिए अगर एफोर्डेबल प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा प्रोडक्ट आप लोग सर्च कर रहे हो तो ट्राई कर सकते हो फेयर एंड लवली विंटर ग्लो क्रीम। फेयर एंड लवली तो बहुत पुराना एक ब्रांड है, हर किसी के पास हर किसी के घर में फेयर एंड लवली का प्रोडक्ट अवेलेबल रहते ही है और इसका प्राइस है बस 60 रुपीज़ फॉर 25 ग्राम। तो ये एकदम बजट फ्रेंडली एक प्रोडक्ट भी है और साथ ही साथ पैकेजिंग भी बहुत ही सुंदर है। देखिए कार्डबोर्ड का पैकेजिंग है, वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, और मैं अंदर से भी दिखा देती हूँ कि ट्यूब कैसा है। ये प्लास्टिक का है और ये प्रोडक्ट बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली एक कंटेनर में आए हैं। देख लीजिए, ट्रैवल करने का टाइम इसको कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी। और अभी जो बात मैं बोलना चाहती हूँ, विंटर के टाइम स्किन बहुत ज़्यादा पैची हो जाते हैं, साथ ही साथ स्किन हो जाते हैं डल, स्किन में कोई ग्लोई नहीं रहते हैं। लेकिन ये है एक ऐसा क्रीम जो यूज़ करने से स्किन में ग्लो भी आएगी और साथ ही साथ स्किन रहेगी मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड, लेकिन ऑयली पैची लुक क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि फेयर एंड लवली यूज़ करने से स्किन कभी भी ऑयली नहीं दिखते हैं, ये एकदम सच है। और इसके ऊपर में जैसे लिखा है 24 आवर्स मॉइस्चराइज HD ग्लो, लेकिन मैं इधर पे एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा खासा मॉइस्चराइजर फीलिंग्स चाहिए तो दिन में 2 बार यूज़ कीजिए और इसको 40 डेज यूज़ करने के बाद आपको एक रिजल्ट तो मिल ही जाएगी। एक बार यूज़ करने से स्किन में ग्लो आ जाएगी, ये एकदम सच है। ऑल टाइप ऑफ स्किन है, अगर आपकी स्किन ऑयली, नॉर्मल, ड्राई, सेंसिटिव जो भी हो, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसको अप्लाई करती हूँ, उसके बाद ही ये रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फेयर एंड लवली विंटर ग्लो क्रीम यूज़ करने से स्किन हो जाएगी पूरा का पूरा इवन और साथ ही साथ ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स जैसे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं और जो पैची लुक क्रिएट हो जाते हैं विंटर के टाइम वो भी नहीं होंगे और साथ ही साथ स्किन रहेगी सॉफ्ट, सपल एंड ग्लोइंग। तो अभी चलिए ऊपर में जो क्लेम किया है वो बता देती हूँ। ऊपर में लिखा है फेयर एंड लवली 24 आवर्स मॉइस्चराइज्ड HD ग्लो मॉइस्चराइज्ड सॉफ्ट स्किन विथ नारिशिंग मॉइस्चराइज टू हाइड्रेट द स्किन ब्राइटनेस। हाँ, ये क्रीम यूज़ करने से स्किन ब्राइट तो ज़रूर होते हैं, स्किन कभी भी फेयर नहीं होते हैं। लेकिन ये क्रीम के ऊपर सबसे अच्छा बात जो लिखा है, विंटर ग्लो यानी कि ग्लो बढ़ाएगी, ऐसा नहीं है कि फेयर बना देगी। विथ मल्टीविटामिन्स टू हेल्प ब्राइटन स्किन, अगर स्किन रहेगी प्रॉब्लम फ्री, अगर स्किन रहेगी ब्राइट तो स्किन हो जाएगी हेल्दी और हेल्दी स्किन हर टाइम ग्लोइंग दिखते हैं। और एक बात, अगर आपके स्किन में पिंपल है तो भी आप लोग इस क्रीम को आराम से अप्लाई कर सकते हो, आपकी स्किन अल्टीमेट ऑयली, ड्राई जो भी हो, आप लोग इसको आराम से अप्लाई कर सकते हो, प्रॉब्लम आने का चांसेस नहीं है। साथ ही साथ रेडियंस, हाँ रेडियंस तो आते ही है, इल्यूमिनेट्स स्किन इनसाइड आउट। फेयर एंड लवली विंटर ग्लो गिव्स यू द 2-in-1 बेनिफिट ऑफ ग्लो एलोंग विथ सॉफ्ट सपल स्किन, जो मैंने बता ही दिया। Infused with multivitamins B, C, and E and nourishing moisturizers, this rich formula gets quickly absorbed into the skin and pretends deep to give you HD glow. हाँ, ये क्रीम स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और स्किन में वाइट शेड नहीं छोड़ते हैं, जो सबसे बड़ा बात है, क्योंकि अगर कोई भी क्रीम अप्लाई करने से स्किन में वाइट शेड आ जाते हैं तो बहुत ही गंदा दिखता है। लेकिन ये क्रीम यूज़ करने से ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ठीक ठाक क्वांटिटी से यूज़ करना है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आ सकते हैं। और ऊपर में और भी लिखा है कि एक्सपर्ट ग्लो विथ एडवांस्ड मल्टीविटामिन्स, इसके अंदर मल्टीविटामिन है तो हमारे स्किन को रखेगी सॉफ्ट, सपल एंड ग्लोइंग। सॉफ्ट सपल स्किन विथ 24 आवर्स एक्टिव मॉइस्चराइजर्स, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ कि दिन में 2 बार अप्लाई कीजिए। सन डिफेंस विथ UVA UVB प्रोटेक्शन, हाँ UVA UVB प्रोटेक्शन लिखा है लेकिन कितना किया वो दिया नहीं है। तो ये क्रीम को एज ए मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए और उसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिए। विंटर सीजन में सन का जो हीट है वो हम लोगों का फीलिंग्स में नहीं आते हैं, लेकिन वो रहते हैं, तो सनस्क्रीन स्किप मत कीजिए, सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिए।
मेकअप करने से पहले एज ए मॉइस्चराइजर क्रीम आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, स्किन में एक इवन लुक क्रिएट कर देगी, साथ ही साथ मैट फिनिश आ जाएगी तो मेकअप रहेगी लॉन्ग लास्टिंग। और साथ ही साथ मॉइस्चराइजर एज ए बेस मॉइस्चराइजर तो अप्लाई कर ही सकते हो, एज ए नाइट क्रीम भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। स्किन में अगर छोटा मोटा कोई स्पॉट है वो भी डे बाय डे पूरा के पूरा गायब हो जाएगी फेयर एंड लवली विंटर ग्लो यूज करने से। तो चलिए अभी इसको यूज करके दिखा देती हूँ। क्रीम को ले लीजिए अपने हाथों पे फर्स्ट में, और इसका कलर ना हल्का सा पिंकिश है, पूरा के पूरा वाइट नहीं है देखिए, और बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन में, देखिए एक इवन लुक क्रिएट कर देगी पूरा के पूरा, देख लीजिए ऐसे ही बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन में, और स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं, स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन रखते हैं। देख लीजिए फेयर एंड लवली विंटर ग्लो क्रीम यूज करने के साथ ही साथ स्किन में एक अलग सा ग्लो आ गए है, एक अलग सा चमक, एंड साथ ही साथ है इवन लुक, जो सबसे जरूरी है क्योंकि अगर स्किन में ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जैसे प्रॉब्लम है, पिंपल है, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगते हैं, लेकिन अगर स्किन रहेगी सॉफ्ट सपल ग्लोइंग तो वही है हेल्दी स्किन, और वही हमें चाहिए। तो ये रही मेरी फेयर एंड लवली विंटर ग्लो क्रीम का रिव्यू प्लस डेमो, रिजल्ट तो आप लोगों के सामने ही है। अगर ये वीडियो पसंद आए है लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आगे जाके ऐसे वीडियो रोज रोज अपने फोन पे देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आप लोगों के हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय द विंटर।